ये मेंटल ब्लॉक है, मैं समझता हूँ। एक तो इसको पहले क्लियर करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया somehow हमारे हिसाबों पे सवारी करते हैं। वो एक तरह से जैसे कि हम गिव इन ही कर जाते हैं कि हम जीत नहीं सकते हैं। तो पहले तो ये फीलिंग जो है ना, इसको पहले ठीक होना है। और मैं सिर्फ इसलिए डिसअपॉइंटमेंट है कि अभी वहीं पे वर्ल्ड कप खेल के आए हैं ये। तो बट वो जो एक झिझक मैं समझता था कि इतनी नहीं होनी चाहिए थी इस दफा, क्योंकि ये टैलेंट भी एक्सपोज हो जाता है ऑस्ट्रेलिया का। लीड्स में इनके साथ खेलते भी हैं एक दूसरे के साथ, पता भी है कि इनकी मेंटेलिटी क्या है, उसको सामने रखते हुए अफसोस होता है। हाथ से जाने दिया ये जो लास्ट टेस्ट मैच था। और आपने ठीक कहा, देखें 50-60 करके आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते हैं। आपको पहली इनिंग्स में लंबे रन करने, और फिर 300 पे अगर 300 नहीं करेंगे और लीड कंसीड कर देंगे तो आपके चांसेस बहुत ही फिर डिम हो जाते हैं। इसी तरह से कैच छोड़ दिया, और वो जो कैच है वो ले बैठा असल में अब्दुल्ला शफीक का। सो ये जो चीजें है ना, इस पाकिस्तान को बार बार एड्रेस करनी है, रादन की टेक्नोलॉजी को मुर्द इल्जाम ठहराएं या आप अंपायरिंग डिसीजन को कहें। आप अपने अंदर खुद झांक के देखें कि कहाँ पे गलती हो रही है, और वो उसके टेक्निकल रीजन आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने ये आगे जाके बात करनी थी, लेकिन अभी आपसे आपने जिक्र किया, बात कर लेते हैं। एक बड़ी लंबी डिबेट, काफी एक्स क्रिकेटर का मानना यह है कि जो रिस्ट बैंड है वो ग्लव का पार्ट नहीं होता। कई दफा बैटर जो है वो एक एडिशनल रिस्ट बैंड भी पहनता है। कुछ का मानना ये आउट था क्योंकि रिस्ट बैंड जो अटैच है वो ग्लव के साथ। आपने बड़ा क्लोजली देखा भी होगा, आपके ख्याल में क्या डिसीजन लगता है, ये आउट था रिजवान का या नहीं? ये आउट है, आउट है जी, रिजवान आउट था, इसलिए कि वो उसके साथ ग्लव्स के साथ उसका एक पार्ट है, वो अलग से नहीं था रिस्ट बैंड। तो ये आपको आगे देखना है कि आगे चल के कि किस तरह से बाउंसी ट्रैक्स पे खास तौर पे अगर रिस्ट बैंड अलग से बांधे तो वो ज्यादा ठीक है। असल में ये जो रिस्ट की बोन होती है ना, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक्स्ट्रा कुशन की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि वो जो है ना वो बड़ा डेलिकेट सी एक बोन है। और ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे क्योंकि ग्लव्स पे बहुत बॉल लगता है, तो शायद इसलिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए भी वो रिस्ट पहन लेते हैं या रिस्ट बैंड ग्लव्स के साथ अटैच कर देते हैं। बट एनीवे, एक तरह से सबको लेसन है ये कि ये जो मार्जिन है ना ये बड़े ही कम होते हैं जीत और हार में, और इस तरह की सिचुएशन में फिर लक भी आपके साथ नहीं है, क्योंकि आधा गेंद उनकी रिस्ट पे जरूर लगा है और आधा ग्लव्स पे लगा है, तो वो आउट था। अच्छा रमीज भाई, आप पैट कमिंस की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? उन्होंने 10 विकेट्स मैच में ली, दोनों इनिंग्स में 5-5 विकेट्स ली, फिर एज अ कैप्टन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को लीड किया, फिर एज अ पेस अटैक जो लीड करना है पेस अटैक को उन्होंने किया, तो हमारे बॉलर्स को उनसे क्या सीखना चाहिए और क्या उनको किस तरह एमुलेट कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर्स में हमारे बॉलर्स भी कामयाबी हासिल कर सकें? देखें जी, वो ट्राई ट्राई अगेन की एक मसल है ना, वो इन पे पूरी फिट उठ बैठती है, क्योंकि जब भी क्रिटिकल सिचुएशन होती है ऑस्ट्रेलिया को ये ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं, और डर सा लगा रहता है कि ये इतनी टाइमली अपनी आपको बॉलिंग पे लेके आते हैं, ना ज्यादा अपने आप को अंडर यूज करते हैं ना ओवर यूज करते हैं। सो एज अ फास्ट बॉलिंग कैप्टन कई दफा आप ज्यादा अपने आप को इस्तेमाल कर जाते हैं। बट कमिंस एक तो अपने आप की कप्तानी बहुत अच्छी करते हैं, अपनी बॉलिंग के ऊपर कप्तानी बेहतरीन करते हैं, और टफ सिचुएशंस में जब आपको विकेट की जरूरत होती है या आपको विकेट प्रोवाइड करते हैं, सो बड़े मोमेंट्स को ये जो है ना कैप्चर करते हैं, और इसी इन्हीं की बदौलत ये मैच जीते, क्योंकि वो अड़ गया था मामला जी। और फिर ये जब आए हैं तो कप्तानी भी बहुत शानदार। हालांकि मैं समझता हूँ कि एक आधी दफा एशेज में जब अटैक हुआ ऑस्ट्रेलिया पे तो ये थोड़े से तितर बितर हो गए थे, मगर वही बात है कि हमने पूरी तरह से अटैक भी नहीं किया है और डिफेंस भी कमजोर था। बाबर आजम की बात की, उनका क्लियरली एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्रीज से वो खेल रहे हैं और हाफ हार्टेड सी फ्रंट फुट पे अटेम्प्ट कर रहे हैं गेंद को रोकने के लिए। पाकिस्तान बैटिंग को एक ही प्रॉब्लम है ज्यादातर, और वो है बाउंसर के अगेंस्ट, चाहे वो टॉप ऑर्डर हो या टेल एंडर्स हो। तो बाउंसर को ठीक नहीं खेलेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन न्यूजीलैंड में आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पहले तो ये प्रॉब्लम है। ये जो आप देखते हैं ना कि फुटवर्क फ्रंट फुट पे ज्यादा नहीं रहते हैं या गेंद की पिच तक नहीं पहुंचते हैं, उसकी वजह ही बहुत बड़ी ये है कि पिछले बॉल का यानी कि बाउंसर लेंथ को वेट करते रहते हैं जी। और फिर ये भी है कि शान मसूद की स्पीड जो है वो 60 या 70 करते हैं 60 बॉलों में, या 60 करते हैं 70 बॉलों में, और बाकी जो है वो 50 करते हैं 300 बॉलों में। तो आपका जो एक तो आपने ट्रेंड सेट करना है ना, सेट होके और अटैकिंग मोड में जाना है, वो भी सही तरह से हैप्हैज़र्ड अंदाज से हो रहा है। जो बॉलिंग है वो आउटस्टैंडिंग की है। देखिए, जब आपके पास लीडिंग स्पिनर नहीं है तो ठीक किया सलमान अली आगा के साथ काम चलाया, हालांकि अगर लीडिंग स्पिनर होता तो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाना था ऑस्ट्रेलिया पे। बट
नजर आया कि कोई प्लान था, एक तरफ बॉलिंग की। सबसे ज्यादा जो दो चीजें उन्होंने की वो सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मीर हमजा को खिलाना जी। तो वो एक तरह से 50-50 था उस पेस पे, क्या ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में वो सक्सेसफुल हो सकेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और दो तो यादगार बॉल किए, तो ट्रेविस हेड को आउट किया और एक जो मिच मार्श को, और दूसरा था रिजवान को खिलाना जी। वो भी बड़ा एक क्रिटिकल मोमेंट था सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ठीक था इसलिए कि वो सरफराज इन पिचेस के ऊपर आपको उस तरह की इफादियत नहीं दे सकते। बिल्कुल।